छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात सुन लीजिए भाई आप लोग। अभी अभिषेक जी सबसे बढ़िया बात आप ये समझिएगा, सूखा नशा, गीला नशा, पता नहीं कौन कौन सा नशा ये लोग करते हैं, है ना। इनकी भाषा शैली से बातें समझ में तो आती नहीं है हमें। आदरणीय आदरणीय आदरणीय, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, बोलने दे मुझे। अब इसके बाद ये समझिए कि उनका पता नहीं हुक्का उनने खुलवा दिया, इन्होंने बंद करवा दिया, पता नहीं। बट अभी हाल का बात हम लोग को याद है, बहुत पुरानी बात तो हम लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं धीरे धीरे। 5 साल पहले गंगा जल वाली बात कहीं होती है, कहीं मुंह से कह के होती है, बट शराबबंदी होनी थी, शराबबंदी होनी थी, माननी बात हो जाए, शराबबंदी होनी थी। नहीं अरे मतलब आप लोग भाई सरकार में हैं, आप लोग 5 साल दबाते आए। नहीं 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 नहीं, नितिन जी नितिन जी नितिन जी नितिन जी, शराब शराब पे तिल मिलाने, शराब पे शराब पे तिल मिलाने, सवाल ले लेता हूँ, शराब पे तिल मिलाने की बात। देखिए पूछना चाहते हैं, देखिए देखिए देखिए, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, है ना, व्यवस्था की बात करेंगे। एक सवाल आप लोगों के पास आ रहा है, सवाल सवाल एक आ रहा है नितिन जी आप लोग पास, सवाल बोलिए। पूरे देश में फ्री योजनाएं क्यों, सिर्फ वोटिंग के टाइम ही फ्री योजनाएं? व्यापारी टैक्स पटाते हैं, जीएसटी पटाते हैं, टेंशन में रहते हैं, कमाते सबके लिए और नौकरियां भी देते हैं व्यापारी, और ये फ्री योजनाएं क्यों? फ्री मतलब फ्री देश में कमी है क्या? फ्री योजनाएं क्यों, मैं कांग्रेस भाजपा दोनों से बोलूंगा, एक दूसरे को रेवड़ी कहा जाता है लेकिन दोनों की घोषणा पत्र में फ्री की योजनाएं हैं। आप बोलिए राजीव जी। पहले जब हमको स्वाधीनता मिली तो उस समय और आज बहुत सारी एक विषमता है, समाज का एक तबका है जो आर्थिक रूप से शोषित है, जो आज भी गरीब है, जो 2 जून की रोटी के लिए बहुत कुछ मशक्कत करता है, तो उस वर्ग को उठाने के लिए हमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती। आपका जो सवाल है जायज है कि टैक्स पेयर से क्यों, लेकिन देखिए धीरे धीरे तो कांग्रेस पे सवाल क्यों नितिन जी, सवाल आप लोगों पे भाजपा उठाती है, आप लोगों के भी घोषणा पत्र में फ्री की योजना है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? क्यों जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों जरूरत नहीं है इस किसान को इस प्रदेश में मजबूत बनाने की, क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पर मजदूर को मजबूत बनाने की जो इनके शासन काल में मजबूर था? इन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, अभी कह रहे थे कि जो लोग मतलब जिनका स्तर वो हो उसको उठाने के लिए करना पड़ता है, ये बोलते हम तो इनकी नजर में हम रेवड़ी बांट रहे हैं, यदि हम 2500 में धान खरीद रहे हैं तो हम रेवड़ी बांट रहे हैं, हम कर्जा बात कर रहे हैं, घपला करते हो ना भैया, दिक्कत हुआ है, अभी 2100 में खरीदेंगे, ये खरीदेंगे उत्तर प्रदेश में, यहाँ 3100 में भैया, पूरे देश में आप तो शराब बेचना बंद करो, अंबानी खरीदेंगे, अडानी रोजगार देंगे, मेहुल चौकसी 1200 क्या नाम है, सूरज जी सूरज जी हो जाते हैं, देश छोड़कर चले जाते, रेवड़ी की बात की जाती है क्या, कितना जरूरी चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी की बात की जाती है सूरज जी? देखिए जब देश आजाद हुआ तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें सबसे ऊपर है शिक्षा है स्वास्थ्य है, जब सरकारें अच्छी शिक्षा देने में फेल रहेंगी, जब सरकारें 8वीं के बच्चे तक को मिड डे मील के नाम पे फोकट में पास करके उनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ने देंगे एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो बच्चा 9वीं में जाके फेल होगा, 10वीं में फेल होगा, 11वीं फेल होगा, 12वीं फेल होगा और फेल होने के बाद नौकरी मांगने लायक नहीं रहेगा, ये किया इन सरकारों ने। जब अंतिम व्यक्ति अपने इस उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, और दूसरी चीज प्रीवियस की बात वो ना करे जिनकी सरकारें घाटे में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार 7,996 करोड़ रुपया सरप्लस रख के सब कुछ फ्री देती है, और ये सरकार 44,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने 1,00,000 करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया, और मोदी जी ने देश आजाद होने के बाद टोटल कर्जा 55,00,000 करोड़ का था, जिसको मेरे पास सुनिए, एक सवाल जनता के ले लेता हूँ, एक सवाल जनता का। बड़े भैया मेरा आपसे सवाल है सेकंड नंबर से, आप दारू की बात करो, नशे की बात करो, दारू कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, दारू हर राज्य में है, किसी के में कम किसी के में ज्यादा, आप लोगों ने कसम खाया कि दारू बंद कराएंगे, है ना, कोरोना 3 साल 2 साल कोरोना चला, कोरोना के बाद दारू बट्टी जो अच्छे अच्छे दरवे हैं, जेलना मन डॉक्टर मन कहादरी से कि ये मन हम मर जाए दारू के बिना, तब बोले जिंदा रही से वो मन है, तेकर बावजूद दारू के रेट बढ़ा बढ़ा करके आओ पब्लिक मतलब मारा थे काबर मारा थे। एक सवाल और ले लेता हूं, वो पैसा राहुल गांधी जी के महिलाओं के लिए क्या लगता है कि पार्टियों ने कुछ शराब का रेट नहीं शराब में घपला, अरे शराब पी महिलाओं के लिए क्या लगता है करके राहुल गांधी को भिजवाए दिल्ली को भिजवाए,
दो काउंटर एक सवाल और 2000 करोड़ का घोटाला, उस 2000 करोड़ से तेली बांधा की सड़कें बन जाती, नहीं बना है वो पैसा भेज दिए कांग्रेस वालों को। अरे भैया महिला वोटर के बात सुन लीजिए, अगर कमल खिला तो मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 12000 रुपए प्रतिवर्ष हर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए हर महिला के खाते में जमा होगा। अगर एक घर में चार महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं के अलग अलग 12000 रुपए खाते में जमा होंगे। और महिलाओं के लिए जो आज शराबखोरी, चोरी, डकैती, गुंडागिरी, आज महिलाएं अकेली सुरक्षित नहीं है कहीं भी जाने के लिए, तो अगर मोदी सरकार आई तो महिलाएं सुरक्षित होगी। और हम मोदी सरकार तो है ऑलरेडी, सिलेंडर बहन जी सरकार मोदी ऑलरेडी और कोई सवाल और किसी के पास कोई सवाल आगे आई आगे देश के किसी कोने में नहीं मिल रहा है भाई 1150। मेरा सवाल है यहाँ जिसके पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं नहीं बिक रहा है इनसे मेरा सवाल है कि अरे इधर सवाल 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 सुन लीजिए भाई। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि सारे पार्टी के प्रवक्ता हैं अब माननीय गण बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हम अपने रोजी रोटी के लिए पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़ी शहरों में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 50 से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेज हैं, IIT है, IIM है, NIT रविशंकर कॉलेज है, बट अभी तक 15 या 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, अभी तक एक भी IT कंपनी या MNC कंपनी का ऑफिस नहीं है, उसके लिए सरकार क्या करना चाहेगी ये पूछना चाहूंगा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं, बार बार बाहर जाना पड़ता है, ये वाकई में उनकी समस्या है। कई MOU होते हैं, हम अग्रसर हैं, 15 साल का हिसाब मांगो। देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने ताले लगाए, आप इनसे आज सवाल पूछेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। कॉलेज हमने बनाया, ट्रिपल IT हमने बनाया, NIT हमने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने दारू भट्टी बनाया, चौक चौराहे गली गली में दारू भट्टी बनाई, हमने IIM बनाया, ट्रिपल IT बनाया, दारू भट्टी, रोजगार स्पेस की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन्होंने, ये जो आप कह रहे हैं पूरे देश में शराब किशोर तरुण योजना जनता पार्टी के योजना, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना रोजगार बनाना चाहते हो, बिना कोलेटरल को कोई लोन देती है तो मोदी सरकार देती है बिना कोलेटरल। चलिए पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिए, काम किया का दुकान, चलिए समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है और आप लोगों ने जो वोटिंग की है वो EVM में कैद हो चुकी है, प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे रख चुके हैं, पार्टी अपने घोषणा पत्र सामने रख चुकी है, जनता भी क्या सोचती है, किस सरकार को लाना चाहती है वो अपना फैसला दे चुकी है, जो 3 तारीख को सबके सामने यहाँ पर होगा। हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, प्रत्याशियों से सवाल किए, जनता तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश की, तो महासंग्राम जो चल रहा था एक तरीके से आज वो थम चुका है। अब इस महासंग्राम का परिणाम क्या है 3 दिसंबर को सामने आएगा और तब जनता अपना फैसला सुनाएगी और तब प्रत्याशियों को भी पार्टियों को भी समझ में आएगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया और किन मुद्दों पर जाकर अपना मत दिया। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।